हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद कांग्रेस नेताओं का गुस्सा प्रदेश के नेताओं के खिलाफ सामने आने लगा। रेवाड़ी से कांग्रेस के कद्दावर नेता कैप्टन अजय यादव ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए पार्टी में मौजूद अन्य जातियों के नेताओं की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। तो बताना चाहूंगा कि ये देखिए ईवीएम मशीन का कमाल, नंबर एक और दो पे फिगर्स छह लाइन तक आप देखेंगे फिगर्स सेम है, एक इंडिपेंडेंट और बीजेपी का, और जो कांग्रेस का कैंडिडेट उसको दिखा रहे हैं 0111। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि सेम फिगर्स हो? मुझे बता दीजिए आप, क्या ईवीएम मशीन सेट नहीं हुई है क्या? जहां 99% ईवीएम मशीन जहां चार्ज्ड है वहां पर बीजेपी जीत रही है। क्यों जीत रही है भाई? इसका रीजन जो है हमने शिकायत करी है 40 मिनट तक मेरे यहाँ वो जो स्ट्रांग रूम है उसकी लाइट बंद हो जाती है, और जो एलईडी है जो दिखाती है कि कौन से स्ट्रांग रूम में क्या है वो बंद रही, उसका रीजन आज तक नहीं पता लगा मुझे। आज हर चैनल्स में ये आ रहा था कि रेवाड़ी की सीट हम बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं, अचानक से हमें पता लगता है कि हम तो बड़ी भारी वोटों से आ रहे हैं। और देखिए बात ये नहीं है, कंपेन जो होता है वो होता है 36 बरादरी को लेके। भाई आपका दलित फेस भी होना था उसमें, आपका अपर कास्ट का भी था, ओबीसी का कोई फेस नहीं था, कोई गुर्जर नेता, कोई ब्राह्मण नेता, कोई अन्य नेताओं की जो ये तो छोड़ जाए मेरे पास जो अन्य जो लोग थे उनके बारे में पता लगना चाहिए ना कि भाई वो भी है पार्टी के अंदर, क्या चंद लोगों की पार्टी है क्या सिर्फ ये? और जिस तरीके से कंपेन चला गया, हमारे प्रभारी महोदय जो है वो वेंटिलेटर पे थे, उनकी तो हालत इतनी खराब थी, वो उनसे बात करो वो कहते थे कि मैं आप वेणुगोपाल जी से बात करिए, आप जो है बात करिए अजय माकन जी बात करें उनसे बात करूं, तो वो कह रहे हैं कि हम अब डिसाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे। मेरे यहाँ तो प्रोग्राम तक रख दिया, उसके बाद फिर बोला कि प्रोग्राम नहीं है यहाँ, राहुल गांधी जी का रोड शो रख दिया।